नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उत्कर्ष तिवारी और आप देख रहे हैं रेल उत्कर्ष। जैसा कि मैंने बोला था आपको इंटीरियर दिखाऊंगा ड्राइवर केबिन का, तो अभी मैं हूं ड्राइवर केबिन में वंदे भारत के, और ये है वंदे भारत का ड्राइवर केबिन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, यहीं से वंदे भारत का परिचालन होता है और वंदे भारत कोच यहाँ से एक परिचालक के द्वारा चलाया जाता है, लोको पायलट के द्वारा चलाया जाता है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे साथ, आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, पावर पैनल है, और यहाँ से सारी सुविधाएं दी जाती हैं, हर चीज यहाँ से कनेक्टेड होता है। और ये होता है ड्राइवर केबिन का एरिया, ये है ड्राइवर केबिन, ये इसको बोलते हैं ड्राइवर डेस्क, जो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है ड्राइवर डेस्क बोला जाता है। इसमें सारे के सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, एलईडी मॉनिटर्स लगी होती हैं, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका एनालॉग मीटर है, हालांकि इसमें डिजिटल मीटर भी अंदर लगा हुआ है, ये एनालॉग मीटर है। उसके साथ इसमें अभी सप्लाई दी गई है, यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, इसमें सप्लाई दी गई है। और यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं ये मॉनिटर लगा हुआ है, इसमें ट्रेन नंबर दे रहा है 20608, जो कि मैसूर चेन्नई जंक्शन का ये नंबर है। और ड्राइवर यहाँ से बैठे बैठे ये लगे हुए हैं सिग्नल्स, ये होते हैं कैमरा का सिग्नल्स होते हैं, और यहाँ से ड्राइवर बैठे बैठे ये दिया हुआ माइक्रोफोन, यहाँ से इस ड्राइवर केबिन से लास्ट ड्राइवर केबिन, हालांकि इसमें 16 कोच होते हैं जिसमें 2 DTC होते हैं, 4 TC होते हैं और बाकी बचे सारे MC होते हैं कोचेज, जिसमें 16 कोच में 2 DTC यानी ड्राइवर ट्रैकिंग कोच, NDTC नॉन ड्राइवर ट्रैकिंग कोच, जिसको NDTC को एक्सक्लूसिव कोच बोला जाता है, और अच्छा खासा जिसका रेट होता है, मूवेबल चेयर्स लगे होते हैं जिसमें। और अभी हम ड्राइवर केबिन में हैं, ये ड्राइवर केबिन यहीं से सारी सुविधाएं दी जाती हैं, यहाँ से माइक्रोफोन के द्वारा अगर कोई वर्क नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, तो हर केबिन में हर कोच में लगे होते हैं ETBU के साथ आप हर कोच को कनेक्ट किए होते हैं, वहां से आप ETBU के द्वारा अपने संदेश को इस ड्राइवर केबिन तक पहुंचा सकते हैं, और यहीं से वंदे भारत 180 की रफ्तार पकड़ती है। और इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को देता हूं विराम, और एक चीज और बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको रेलवेज की जो प्रोडक्शन से जुड़ी जानकारी है, रेल कोच फैक्ट्री के अंदर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, तीनों फैक्ट्रीज के जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं उनको मैं आपको दिखाता रहूंगा। अभी मैं वंदे भारत पे काम कर रहा हूँ, वंदे भारत के प्रोजेक्ट को आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इंटीरियर का क्या बताऊं, इंटीरियर की कमाल के इंटीरियर है आपको, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ, ये इंटीरियर इतनी कमाल की इंटीरियर है, इतनी कमाल की इंटीरियर है इस ड्राइवर केबिन की, बहुत ही कमाल, उम्दा, बहुत ही उम्दा। और मैं आपको विजुअल दिखा पा रहा हूँ, ये रहा विजुअल, बहुत ही जबरदस्त, ये देखिए यहाँ से सिग्नल है, और ये सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इसमें डिजिटल मीटर है, और यहीं से इस वंदे भारत कोच का परिचालन होता है। ये है ड्राइवर केबिन पूरा का पूरा, और पीछे पूरा का पूरा एक सेटअप है, ये रहा पूरा सेटअप। धन्यवाद।